अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। शगुन बहुरिया, अजय भैया, इस थप्पड़ की वजह देने की जरूरत नहीं है मुझे कि जूते बयां कर रहे हैं। जूते? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? क्या क्या जूते में क्या है? मतलब ये जूते देख के सांप क्यों सूंघे तुम लोग को यार? क्या है जूते में, क्या प्रॉब्लम है? क्यों, आप सच नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। आप लोगों को प्रॉब्लम है जूते में तो जूते निकाल के फेंक देता हूँ यार, कौन सी बड़ी बात है? चकिंग मैन, देखो कोई मजाक नहीं चल रहा यहाँ पे डॉक्टर खुराना। चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। शगुन, कुछ महीनों पहले हमारे आउटहाउस में रोहन नाम का एक चोर आया था। उस वक्त नैना सो रही थी आउटहाउस में, और जैसे ही वो चोर चोरी करने जाता है वो एक इंसान को देखता है और डर के मारे वहां से छुप जाता है। उस चोर ने उस इंसान की शक्ल नहीं देखी, पर उसने जूते देखे थे उसके, और वो जूते यही जूते थे जो आपने पहने हुए हैं। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि आउट हाउस की चाबी शुभ सर के अलावा आपके पास भी है। उन्हें मत देखिए, वो आपको बचाएंगे नहीं आज। शगुन, अजय भैया के पास कोई चाबी नहीं, इनफैक्ट वो मेरे बिना कभी अंदर गए भी नहीं नैना से मिलने। पर शुभ सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इन्होंने डुप्लीकेट चाबी बना ली हो। शुभ, क्या हो रहा है शुभ? मतलब मैं तुम्हारी मदद करने आया था यहाँ अच्छे से, और मदद करने आए थे ये, कोई मदद नहीं करने आए थे। और शुभ सर, आप इन्हें ऐसे नहीं जाने दे सकते। ये भी तो हो सकता है ना कि नैना के गुनहगार यही हो। सर एक मिनट, यू मीन टू से कि मैंने नैना का रेप किया है? तेरा दिमाग खराब हो गया? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? मैं एक इज्जतदार डॉक्टर हूं, और तुम्हारे पति ये शुभ है ना, शुभ, इससे पुराने ताल्लुकात हैं मेरे, पूछो इससे। सोसाइटी में मेरा नाम है, मेरी खुद की फैमिली है, रुतबा है, सब कुछ है, इतना घिनौना काम करूंगा मैं? और शुभ, तुम्हारी पत्नी है ये शगुन, तुम चुप्पी बांध के खड़े हो सिर्फ? तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, नैना के बारे में दुनिया से छुपाया, किसी को कुछ नहीं बताया, और तुमने मेरे साथ ये किया? तुम एक काम करो, तुम आज से नैना के लिए कोई और डॉक्टर ढूंढ लो इलाज के लिए। नहीं नहीं, बहुत हो गया, तो सब कुछ लगा दिया, अपना करियर दांव पे लगा दिया, और तुमने ये सिला दिया मुझे। मैं सच कह रहा हूं यार, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया मेरे दोस्त। और यहां कैसे मान ली? सारे सबूत आपके खिलाफ है ना शगुन। अजय भैया ऐसे नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। पर शुभ सर, बात को समझिए, रोहन ने जो स्केच बनाया था जूतों का, वो यही जूते थे। अरे जूते 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 की तुम क्या प्रॉब्लम, क्या है जूते में? इतना बड़ा नाटक खड़ा कर दिया जूते की वजह से। नाटक नहीं हो रहा है यहाँ पे, नाटक आप कर रहे हैं। रोहन ने इन्हीं जूतों का स्केच बनाया था। और इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? आप यहाँ से इतने आसानी से नहीं जाएंगे, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। शगुन, वाह वाह, गुड 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 गुड, मुझे डिनर पे बुला के यहाँ पे तमाशा खड़ा कर दिया, मजा आ गया।
वेरी गुड। अजय भैया अब डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं ना, और जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो आपको डरने की क्या जरूरत है, और शगुन का डाउट भी क्लियर हो जाएगा। वाह शुभ, वाह वाह, कमाल कर दिया। अरे इस लड़की की तो आदत है तमाशा करने की, लेकिन तू भी तमाशे करने लगा है। अरे तीज पर भी पुलिस आई थी, अब आज भी पुलिस आएगी, ये घर है कि थाना? हाँ, और इन बिचारों को खाने पर बुलाया, अब इनकी बेइज्जती कर रहे हो, ये अच्छा लगता है क्या? ओ मैडम, अपनी मेहमान नवाजी अपने पास रखिए और मुझे बख्शिए। आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। शकुन क्या कर रही हो? शिव सर रुकिए। शकुन प्लीज। हेलो पुलिस स्टेशन। शकुन रहने तो। शकुन डॉक्टर अजय, आपको हमारे साथ चलना होगा। बस अभी यही देखना रह गया था, खाना खाने आया था और ये दिखा दिया तुमने। एक सेकंड इंस्पेक्टर साहब, उसके पहले मैं एक बार नैना से बात करना चाहता हूँ। मैं उससे पूछना चाहता हूँ। पहले आपने नैना की दिमागी हालत का फायदा उठाया, अब आप उसी को बुला रहे हैं सबूत के तौर पे। वाह इंस्पेक्टर। शुभ सर। शुभ एक बार तो कुछ तो बोल, एक बार तो मदद कर दे अपने दोस्त को यार। इंस्पेक्टर साहब एक बार, सिर्फ एक बार। नैना जी को बुलाइए जल्दी। शुभ सर प्लीज इनकी बात। शगुन फिक्र मत करो, मैं यहां हूं, नैना को कुछ नहीं होने दूंगा। वाह नैना को ले आई। कहाँ जा रहे? कहाँ? अरे डॉक्टर आप कहाँ चले गए थे? कल रात में बहुत अच्छी नींद आई थी, कितनी अच्छी कहानियां सुनाई थी आपने, बहुत अच्छी कहानी सुनाते। तुम्हारा डॉक्टर तुमसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहता है। मैं पूछूं? फिर कहानी सुनाओगे? हाँ नैना, इन सबको ये बताओ कि कभी भी मैं तुमसे अकेले मिलने आया हूं। मैं तुमसे अकेले में तुम्हारे ये जो पति हैं शुभ, उसकी ना मौजूदगी में मैं तुमसे मिलने आया हूं। डॉक्टर अजय, ये सारे सवाल से कुछ हासिल नहीं होगा, कोर्ट इनकी गवाही नहीं मानेगा। अरे कानून की लड़ाई मैं लड़ लूंगा इंस्पेक्टर साहब, अब फिक्र मत कीजिए। फिलहाल मुझे घर की लड़ाई लड़ने दीजिए प्लीज। पूछने दो इनसे कुछ सवाल, आप करने बहुत जरूरी है, क्योंकि घर वालों ने मुझसे तोहमतें लगाई कि मैंने इनके साथ कुछ गलत नहीं किया है। नैना से पूछना बहुत जरूरी है। नैना इन सबको बता दो एक बार कि मैंने कभी भी तुम्हारे साथ गलत सलूक किया है। कभी भी तुम्हें यहां वहां गलत तरीके से छुआ है मैंने? प्लीज बोलो प्लीज। हाँ। हाँ हाँ नैना बोलो बोलो नैना, डरने की कोई जरूरत नहीं, बोलो। हाँ एक बार इन्होंने ना बहुत जोर से मेरे ऐसे कान खींचे थे, बहुत जोर से, क्योंकि मैं दवाई नहीं ले रही थी ना, तो इसलिए खींचे, बहुत जोर से खींचे थे आपने, बहुत जोर से खींचे थे। अब यहाँ कैसे? मुझसे मिलने आया पुलिस क्या कर रही है? पुलिस यहाँ क्या कर रही है? पुलिस ले जाइए। पुलिस
पुलिस पुलिस। ओ कनिका जी प्लीज, अब तो चुप मत बैठिए यार, पानी सर के ऊपर से जा रहा है, बोल दीजिए कुछ प्लीज। मतलब आप बताएंगे कि मैं शुरू कर दूं? वाह कनिका, ये क्या कह रहे हैं? चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूं। मुझे यहाँ पे कनिका जी लाई। क्या क्या बुआ जी? जीजी, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। हाँ, बातें इतनी बड़ी बड़ी और काम इतने छोटे से। अरे हम सबको अंधेरे में रखा जी। ये क्या बोल रही है चाची, आप इनकी बातों पे विश्वास करें? इनकी नहीं 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 अजभिया, आप पहले मुझसे मिले थे, आपकी मेरे से दोस्ती हुई, मैंने नैना के बारे में बताया और फिर एग्जैक्टली तुम्हारी बुआ मुझे यहाँ पे लाई है, तुम नहीं शुभ। बुआ क्या कह रहे हैं? बुआ आपने हमारी फीलिंग्स का इतना बड़ा मजाक बनाया, क्यों? अरे मजाक तो मेरा मेरी ताई का बन रहा है इस घर में, हर किसी के राज है। मुझे तो ऐसा लगता है आप सब ने मिलके मेरी ताई और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं नहीं यू, सच बात है, शगुन का बुरा मैं सपने में भी नहीं सोच सकती, लेकिन हाँ ये बात सच है कि अजय को मैंने ही बुलाया था यहाँ। शुभ, मैं तेरी मदद करना चाहती थी बस। उस रात को मैंने तुझे उठा उससे निकलते हुए देख लिया था, तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई अपनी बुआ से। मैं सिर्फ तेरी मदद करना चाहती थी, इसके पीछे और कोई वजह नहीं थी। मैं नहीं जानती थी कि ये आदमी कितनी घिनौनी हरकत कर बैठेगा। नहीं जानती थी तो भी इसको घर में ले आई? अरे न जान न पहचान, घर में घुसा लिया उसे, और जिस बिचारी नैना के साथ हुआ उसका क्या, उसकी जवाबदारी किसकी? अरे ये नहीं आते तो ये सब होता ही नहीं ना। वो मैडम, वो अब तक प्रूव नहीं हुआ है कि घिनौनी हरकत मैंने की है। उसे प्रूव करने के लिए आज आपका DNA टेस्ट होगा। अरे अब ये क्या नया तमाशा है शगुन, DNA? चाची ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए, खास करके नैना के लिए, आखिर पता तो चले बच्चा है किसका। सही है, किसका बच्चा है? तो आप तैयार हैं? ठीक है शुभ। मेरे दोस्त, अगर आप सभी की यही इच्छा है तो करा लेते हैं टेस्ट, हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। आई होप रिपोर्ट्स के आ जाने के बाद तुम्हारे सारे शक दूर हो जाएंगे। इंस्पेक्टर, अगर इनका टेस्ट हो गया हो तो मैं भी चाहता हूं कि मेरे जीजा जी का टेस्ट हो जाए। क्या? हाँ ताई, तुझे नहीं पता है तमाशा क्यों हो रहा है? ये सारा तमाशा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने नैना का सच छुपा के रखा था, और सच क्या है किसी को नहीं पता, तुझे पता है? नहीं ना? और अगर ये सही है तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्यों जीजा जी, सही कह रहा हूं ना? युग, तू शुभ सर पे शक कर रहा है?
तेरा दिमाग खराब हो गया है? वाह, पति की बात आई तो सांप सुन गया। कमाल है। मिस्टर युग की बात गलत नहीं है शगुन जी, नैना की देखरेख की जिम्मेदारी इनकी है। कोर्ट 100% इनके डीएनए के टेस्ट की मांग करेगी ही करेगी। एग्जैक्टली। ठीक है, कीजिए रेस्ट। सर टेस्ट करना है जी। इंस्पेक्टर, वो रिपोर्ट्स आ गई। ये मिस्टर अजय की रिपोर्ट है। एज पर लॉ ये सील पैक है और दोनों पार्टियों के सामने ये सील खोला जाएगा और रिपोर्ट पढ़ी जाएगी। इसे टेम्परिंग होने का कोई सवाल ही नहीं है। इसमें जो भी लिखा है वो सच है। लिखा इंस्पेक्टर, रिपोर्ट्स नेगेटिव है। मिस्टर अजय इस बच्चे के बाप नहीं है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। पानी मिलेगा, बहुत प्यास लगी है। जूते के कंपनी में फोन किया था, तब पता चला कि ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही जूते 3 लाख बिक्री हुए। कितने? 3 लाख।
अभी से आज तक कोई काम ढंग से हुआ है, जो अब होगा बिंदिया। अरे जी जी आप भी ना। अब फ्रेंकली एक बात बताना शुरू, दिल पे हाथ रख के बताना ऑनेस्टली, क्या तुम सभी का डीएनए टेस्ट कराओगी 3 लाख लोगों का? इंस्पेक्टर, शुभ जायसवाल की रिपोर्ट का क्या हुआ? इंस्पेक्टर, अगर आप अलाउ करें तो क्या ये रिपोर्ट्स मैं खोल सकती हूँ प्लीज? ठीक है, थैंक यू। क्या लिखा शगुन, क्या लिखा उसमें? क्या हुआ, क्या लिखा है? पॉजिटिव आई है, यही नैना के बच्चे के बाप है। हमने उसे ऐसे संस्कार थोड़ी ना दिए। ये नहीं कर सकते हाँ? इधर दिखाइए, खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, ये क्या है फिर? और तुम, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। युग, युग कितना झूठ बोलोगे? क्या कर रहा है? क्या कर रहे तू? पागल हो गया? मुझे क्या हो गया? सारा सच तेरे सामने है, देख इन्हीं का बच्चा है वो। पर ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने रिपोर्ट बदल दी हो। और ऐसा नहीं होता है, ये सब पुलिस की निगरानी में हुआ है, इसलिए रिपोर्ट तो बदलना पॉसिबल नहीं है। आपकी तसल्ली के लिए हम वापस से रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इंस्पेक्टर साहब, कूल, आई एम रेडी टू कोऑपरेट सर। मैं आपको सहयोग दूंगा, करा दीजिए टेस्ट, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन लेकिन अगर रिपोर्ट्स पॉजिटिव निकले तो तुझसे ज्यादा कमीना मैंने आज तक नहीं देखा। अरे एक बीमार और दिमागी तौर से कमजोर औरत के साथ तुमने ऐसा सलूक किया? अजय मुंह संभाल के बात करो। हमारा लल्ला ऐसी लड़की का नाजायज फायदा उठा ही नहीं सकता। दादी जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ 100%, लेकिन तू, मैंने इसे भगवान राम समझा और ये तो रावण निकला। मिस्टर खुराना, तमीज से बात कीजिए। आपकी खुद की नियत में खोट है और आप इन पे सवाल उठा रहे हैं। वाह क्या बात है, है? क्या बात है 100 में 90 बेईमान, फिर भी मेरा बाबा नहीं, मेरा पति महान। आप जैसी पतिव्रता औरत अगर सबको मिले तो मजा आ जाए। मेरे पति बेकसूर हैं और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। और ये रिपोर्ट्स जिसने भी बदली है ना, या नैना के जिसने भी ये हाल किया है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और अगर भगवान भी आके कहे ना कि शुभ सर ने ये सब किया है, तो मैं कभी नहीं मानूंगी। मैं अनुपी कसूर साबित करके रहूंगी, ये मेरा वादा है आपसे।
इतनी रात को तू कहाँ जा रही है? वो अगर मैं ये आपको बताऊंगी तो ये इस बात का पतंगड़ बनाएगा, और जो मैं आउट हाउस में जाके पता लगाना चाहती हूँ मुझे करने नहीं देगा। क्या हुआ, तू टेंशन में दिख रही है, कहीं चीजा जी ने कुछ? नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, वो एक्चुअली थोड़ी घबराहट हो रही थी तो बस ऐसे वॉक कर रही थी। घबराहट? ठीक है ना सब? मैं काम करती हूँ, मैं छत पे जाके वॉक कर लेती हूँ। पक्का ना? हाँ। मैं आऊँ तेरे साथ? नहीं नहीं, तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ, तू जा सो जा। मुझे यकीन है कि वो आदमी डॉक्टर अजय ही था, वो आउटहाउस से कुछ तो लेने आया था, मगर क्या? ऐसा क्या है यहाँ? अगर वो पेन ड्राइव शकुन को मिल गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
आपकी पेन ड्राइव मुझे आउटहाउस से मिली। इस पेन ड्राइव में क्या हमें पता करना होगा? हाँ, जल्दी पता लगाना होगा। मुझे चाहिए, लड़की ने फिर से तमाशा शुरू कर दिया। कौन बीमार? दिन रात खाली बीमार चिल्लाता रहता है। और रख लो इसको। चुप। नैना प्लीज, नैना वो पेन ड्राइव दे दो। नैना आराम से गिर जाओगी तुम। प्लीज, अरे इस पेन ड्राइव में है क्या? पास बताना। ऐसा मत करो नैना, पेन ड्राइव दे दो। नैना नहीं बताना। नैना लग जाएगी। अरे क्या कर रही हो? पास बताना। नैना लग जाएगी तुम्हें। नैना प्लीज, नैना पेन ड्राइव दे दो प्लीज। बोला है पास बताना, दो लोग हैं। अरे सारे घर के ग्लास तोड़ देगी क्या? मैं क्या कर रही हूँ तुम? तो पेन ड्राइव दे दो प्लीज, वो बहुत जरूरी है। नैना उस पेन ड्राइव को कुछ मत करना। पेन ड्राइव चाहिए नैना। पेन ड्राइव चाहिए नैना। नहीं नैना। अरे ताई संभल के। पेन ड्राइव चाहिए। क्या है इसमें? अरे चल क्या रहा है? चल। ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? शुभ सर क्या कर रहे हैं आप? नैना पे हाथ उठा रहे हैं, भागे लोग हैं यहाँ। और क्या करूं, सब बर्बाद कर दिया। वो पेन ड्राइव एक लौता सबूत नहीं हमारे पास। पर उसको डांटने से क्या फायदा होगा? अब कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे का बाप कौन है? ये बच्चा तुम्हारा और मेरा है। ये बच्चा मेरा नहीं है। हाँ, ये बाप। ये बच्चा मेरा नहीं है, सुना तुमने? चुप से चुप हो जाइए प्लीज, चुप हो जाइए। नैना मेरा बाबा शुभ का बाप, दोनों का बाप हुआ है। ये क्या किया आपने? डॉक्टर ने मना किया है ना उसे ऐसे बात नहीं करनी। क्या करूं? शुभ सर हम कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे, कुछ कर लेंगे। आपको उसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुमने कहा ले कि बाबू तुम्हारा नहीं है। नैना 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 छोड़ दो। नैना मेरी बात नैना, तो मैं इसको मार दूंगी, मार के। नैना ऐसा मत करो। मेरे पेट में यहाँ पे तुम्हारा बेबी आएगा शुभ, तुम्हारा बेबी आएगा। छोड़ो, 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 छोड
होगा। नहीं होगा। अरे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। नैना, 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 क्या कर रही हूँ? निकल गया। छोड़, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। मुझे बहुत चोट लगी। डॉक्टर को बुलाओ। तुम्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं। मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं। आप इसी वक्त नैना को लेके जाइए रूम में। टाइम वेस्ट मत कीजिए, लेके जाइए। मैं ठीक हूँ, आप लेके जाइए इसे अभी। मुझे छोड़ो। मैं पट्टी करना। ठीक हूँ युग, मैं ठीक हूँ युग, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, तू बैठ युग, तू बैठ। छोटी सी चोट लगी। बैंडेड। युग तो इतना परेशान क्यों है? ताई चुप जा, इतना खून बह रहा है, क्या जरूरत थी बीच में जाने की? अरे इतनी नहीं लगी है। वो बीमार लड़की तुझे हमेशा चोट पहुंचाती है, ती और तू हमेशा उसे बचाती है। इतना खून बह गया है। युग में ठीक। ताई आज बोलने दे। और तू हमेशा जीजा जी को उसके साथ क्यों भेज देती है? मुझे समझ नहीं आता तू अपने पति को दूसरी औरत के साथ कैसे बांट सकती है। ताई युग, देख मैं समझ सकती हूँ कि तू क्या बोल रहा है। मैं जानती हूँ तू मुझे तकलीफ में नहीं देख सकता है, पर तुझे ये बात समझनी होगी। तू हमेशा मेरे बारे में सोचता है, लेकिन मुझे तो शुभ सर के साथ साथ नैना के बारे में सोचना होगा ना। मैं तो तेरे बारे में ही सोचूंगा ना ताई, तू मेरी ताई है, बहन है मेरी। जानती हूँ, पर समझने की कोशिश कर। शुभ सर अभी बहुत परेशान है, वो अपने आप को इतना फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं इस सिचुएशन में। मैं उनकी पत्नी हूँ और एक पत्नी होने के नाते मुझे हर सुख में हर दुख में उनका साथ निभाना होगा। साथ निभाना होगा, तेरा क्या, तेरा साथ कौन देगा ताई? तू है ना मेरे साथ और मुझे मेरा हक मिल के रहेगा। मुझे शुक्र पे पूरा भरोसा है। देखियो अगर तुझे सच में मेरी चिंता है ना, तो नव्या के साथ तेरी जो भी प्रॉब्लम है ना, उसे प्लीज ठीक करते हैं। अगर तू ऐसा करेगा ना, तो तेरी ताई बहुत खुश हो जाएगी। करेगा ना? मेरी तरफ से बोल, करेगा? करूंगा। बस फिर मैं खुश। काम हो गया है, टेंशन की कोई बात नहीं। अच्छा हुआ पेन ड्राइव खराब हो गई, बाल बाल बच गया मैं। नव्या इतनी रात को कहाँ जा रही हो? नव्या तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? नव्या मैंने कुछ पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? सॉरी मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था नव्या, लेकिन तुम इतनी जिद करती हो। नव्या नव्या प्लीज आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस मैं बात करना चाहता हूँ। नव्या नव्या तुमसे बात करूं, तुम्हें फोन को देख रही हो? तुम मुझे कैद करके रखना चाहते हो क्या? नव्या वो मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही थी। कि जब तुम अपनी ताई के साथ बिजी थे ना, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। नव्या वो बात नहीं, नव्या मुझे बात करनी है। तो मुझे नहीं करनी ना योग। अरे मैं चीजें सही करने की कोशिश कर रहा हूँ नव्या, तुम मुझे एटीट्यूड दे रही हो। सीरियसली योग, तुम सिर्फ ताने मारते हो। सिर्फ ताने मारते हो। नव्या मेरी बात सुनो, मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया है, लेकिन क्या तुमने गलतियाँ नहीं की? सब कुछ बातचीत करके सॉर्ट आउट कर। मुझे नहीं करना ना सो। कह तो रही हूँ नहीं करना सॉर्ट तुम्हारे साथ कुछ भी। तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थे। जो अमित ताई के पास जाओ। नव्या देखो मेरी ताई को बीच मत लाओ। क्यों ना लाओ? क्यों ना लाओ? तुम भैया को बीच में लाते हो ना, उनके हाथों को बीच में लाते हो ना, तुमने उनका बिजनेस हड़प लिया। नव्या जिस दिन मेरी ताई को उसका हक मिल जाएगा, तुम्हारे भैया को उनका बिजनेस मिल जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नव्या तुम्हें तो अपने भाई को समझाना चाहिए कि मेरी ताई के साथ ऐसा ना करे, उल्टा तुम ही मेरी ताई को गलत समझती हो। अरे वो बेचारी तुम्हारे बारे में अच्छा सोचती, अच्छा बोलती है और तुमसे प्यार। ओह माय गॉड, अब समझ में आया कि तुम यहाँ इस तरह से इसलिए आए हो क्योंकि मेरी ताई ने तुमको भेजा है। उन्होंने कहा होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम इसको सॉल्व कर लो, सब बहुत अच्छा होगा, है ना? नहीं नव्या ऐसी बात नहीं हो। आई एम डन।
और अगली बार मुझे इस तरह से हाथ लगाए ना तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगी तुम पर। नव्या मेरी बात सुनो तुम, मैं यहाँ सब चीज नव्या सॉर्ट नव्या बातचीत करके कर लेते ना सॉर्ट आउट। तो फिर क्या करूं ना, मैं नैना का ख्याल रख सका और ना तुम्हें इंसाफ दिला पाया। मैंने नैना को कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया और जो मेरी पत्नी है उसे मैं चाहकर भी उसका हक नहीं दिला पा रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जब जिंदगी में कुछ समझना आए तो उन चीजों को वहीं छोड़ देना चाहिए, फिर सॉल्यूशन अपने आप मिल जाता है। मतलब शुभ सर, मैं ये बोल रही थी कि हमें अजय को बता देना चाहिए। अगर अजय को एक्सपोज करने का यही तरीका है तो मैं तैयार हूं। कल रात को शुभ बहुत परेशान था वो पेन ड्राइव को लेकर। हाँ, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने वो पेन ड्राइव अपने किसी पहचान वाले को दी है। उसने कहा है कि जितना भी अंदर का डेटा है वो सही सलामत हमें ला देगा। तो शाम तक मिल जाएगा वो। अच्छी बात। शुभ 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 का देखो मैं रेडी हूँ शुभ। हाय हाय, अरे ये क्या हाल बना लिया तूने अपना पगला। वो क्या है ना, शुभ ने कल मुझे डांटा था ना, तो उन्होंने ना प्रॉमिस किया था कि आज मुझे वो घूमने लेके जाएंगे। घुमाने लेके जाएगा? हंस के रही है? हाँ हाँ तू जा। सच में बहुत अच्छी लग रही है। बिंदिया शुभ नैना शुभ है शुभ नैना, वो शुभ सर किसी जरूरी काम से बाहर गए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। झूठ झूठ बोल रही हो झूठ बोल रही है। उन्होंने फोन किया था, बोल रहे थे थोड़ी देर में आ जाएंगे। सच में? तुमने भेजा ना उसे? नहीं नैना, नहीं मैंने नहीं भेजा। वो ऑफिस से फोन आया था ना, इसलिए गए थे वो। तुमने भेजा उसे? शुभ को मुझसे दूर करना चाहते हो ना? नहीं, मुझे घुमाने लेके जाने वाले थे। नहीं नैना, तुम दूर करना चाहते हो शुभ ना, जो मुझे घुमाने लेके जाने वाले थे। भाई को पता है ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
हाँ 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 ठीक है, मैं मदद करती हूँ। पानी पानी मौर्या, ठीक तो हो ना बेटा? इस घर में रोज ही तमाशे होते हैं, वो भी नाश्ते के टाइम पे। बिंदु जाके नाश्ता करो। जी अम्मा जी, थैंक यू। दादी आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए और चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा? तुझे ऐसा लगता है? कुछ दिन करते करते इतने दिन बीत गए और उसकी हालत वैसी की वैसी ही है। युग, उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। मुझे पापा और शुभ सर पे पूरा भरोसा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। लेकिन बेटा शुभ इतनी जल्दी सुबह सुबह कहाँ चला गया? वैसे तो हमारा आशीर्वाद लिए बिना वो घर के बाहर पैर नहीं रखता। वो दादी सुबह सुबह फोन आ गया था ऑफिस से, कुछ जरूरी काम है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है। आजकल कुछ ज्यादा जरूरी काम नहीं आने लगे हैं शुभ को? मतलब पहले उसे सारे जरूरी काम रात को याद आते थे, तब वो उस नैना को ले आया, और अब सारे जरूरी काम सुबह सुबह याद आते हैं। ऐसा ना हो इस बार किसी और को ले आए। बिंदु नाश्ता करो। जी अम्मा जी। ये पेन ड्राइव ठीक हो जाए ना, सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा अम्मा जी। कहाँ जा रही हो? वो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे नाश्ता? बुआ मुझे भूख नहीं है, बाद में खा लूंगी। बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, मैं बहक गया था, पर ये बात शगुन को पता नहीं रखनी चाहिए। सब ऑलरेडी जानते हैं कि मेरी दो बीवियां हैं, और अगर ये बात बाहर आई तो सब बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाऊंगा भैया। ऐसा मत बोलो यार, शुभ का बच्चा तो है नहीं ये, फिर ही अपने आप पे ये गुनाह क्यों ले रहा है? उनसे बात करनी है। एक सेकंड, अभी आया। हेलो, कहाँ हो आप? मैं कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, मुझे कुछ बताना था आपको, बहुत अर्जेंट है। मैं कॉल बैक करता हूँ। क्या हुआ भैया? Is everything okay? अरे वो सब छोड़ो यार, लेकिन ये गुनाह खुद पे लेके तुमने मुझे टेंशन फ्री तो कर दिया, लेकिन खुद की उलझने बढ़ा थी। देखो मैं तुम्हारा बड़ा भाई जैसा हूँ, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। एक छोटी सी सलाह दे दो। जी भैया। आई फील कि अगर तुम शगुन के साथ खुश रहना चाहते हो ना, तो नैना का कुछ करना पड़ेगा यार। And I feel कि तुम्हें नैना को उसकी जगह पे भेज देना चाहिए। ठीक है। मैं जानता था कि कोई और मेरी मदद करे ना करे, आप जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। आई मस्ट टेल यू, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। मुझे इस तरह से हाथ लगाया ना तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगी तुम पर।
कहाँ जा रही हो? वो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। नव्या कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रही हो? जासूसी कर रहे हो मेरी? आज तक मेरे भैया ने मुझसे नहीं पूछा, तुम होते कौन पूछने वाले? तुम्हारा पति भूल गई क्या? हाँ, और काश तुम्हारे भैया ने तुम्हें बिगाड़ने के अलावा कुछ सिखाया होता ना, तो आज अच्छा होता। हद में रहो लोग। दोबारा उंगली मत दिखाना, समझी? तुम्हारा पति हूं, जवाब दो, कुछ पूछ रहा हूं। और सडनली तुम्हारी लाइफ में कौन से दोस्त आ गए? हाँ, नाश्ते की टेबल से उठ जाती हो, मेरे आते ही फोन काट देती हो। नव्या चल क्या रहा है ये बताओ। तुम्हारी बुराई कर रही थी, तुम कितने खराब हस्बैंड हो सबको बता रहे थे, अब तुम्हारे सामने बताऊंगी तो अजीब लगेगा ना, इसलिए फोन काट दिया। शगुन, मैं, अम्मा जी और बिंदिया एक फंक्शन पर जा रही जी। नव्या, योग और शुभ कोई घर पर नहीं है, तो क्या तुम नैना को संभाल पाओगी अकेले या मैं रुक जाऊं? नहीं नहीं, आप लोग चाहिए, मैं संभाल लूंगी। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो फोन कर देना। जी बुआ। आइए अम्मा जी, चलते हैं, लेट हो जाएंगे। चीची, हाँ, मेरे इयररिंग्स कैसे? बहुत सुंदर है, चलो। मैं खिला देती हूँ। वन बाइट। अच्छा ठीक है, बेबी के लिए, बेबी के लिए। शगुनता, आपने जो पेन ड्राइव रिस्टोर के लिए दिया था वो हो गया है। ये पकड़ो, खाओ, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? खाना। हाँ, हो गया। थैंक यू सो मच। वेलकम। शुभ सर को फोन करके बोलती हूँ, बहुत परेशान थे। हाँ शगुन, बोलो। हेलो शुभ सर, वो पेन ड्राइव रिस्टोर हो गया है। पक्का ना? तुमने चेक किया? हाँ हाँ, कर लिए। आप जल्दी से आ जाइए ना। मैं बस अभी पहुंच रहा हूं। हाँ, ओके। थैंक यू पापा। भैया, मुझे अर्जेंट निकलना होगा। मैं बाद में। क्यों, क्या हुआ आपको? प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं भैया, कल आउटहाउस में कोई चोर आया था चोरी करने के लिए। हमने छानबीन की तो वहाँ एक पेन ड्राइव मिली। पेन ड्राइव? तो वही पता करना मुझे। नहीं नहीं, मतलब क्या है मतलब उसमें? या वही पता करना था, लेकिन नैना ने उठा के उसे पानी में फेंक दिया। थैंक गॉड कि शगुन ने सारा डाटा रिकवर कर लिया। I'm sure कि कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। तो आपको बाद में। प्लीज प्लीज। नैना, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं ऊपर जा रही हूँ। तुम खाना खा लोगी ना? देखो कोई भी आए ना, दरवाजा मत खोलना, कहीं मत जाना, मैं भी आ रही हूँ। हेलो। अरे नहीं, मेरी बात तुम सुनो। अभी कोई ऑप्शन नहीं है, मैं कुछ लोग घर भेज रहा हूं, वो आकर शगुन को खत्म कर देंगे। अरे लोग समझेंगे चोरी करने आए थे। और अरे टेंशन मत लो, कोई गड़बड़ नहीं होगी।
शुभ को घर पहुंचने से रोकने का इंतजाम भी हो गया है। तो घर पे कोई नहीं है, कौन बचाएगा तुझे? नैना ऐसा क्यों कर रही हूँ? मैंने क्या किया? मार दूँगी तुझे। मेरा पैर, मेरा पाँव। अरे आपको ज्यादा लगी है क्या? अरे भाई गाड़ी चला रहा है, कुड़ा रहा है। आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, प्लीज प्लीज उठिए। मेरा भाई देख रहा है, बचाओ भाई भाई। पीकर गाड़ी चला रहा, मेरा टायर तोड़ कर रख दिया। पक्का पियला है, बड़े बाप की औलाद लग रहा है, तभी तो गाड़ी ऐसी चला रहा है जैसे उसके बाप का रोड हो। कैसी बात कर रहे हैं आप? पैर तोड़ दिया तुमने उसका, जेल जाओगे तुम। नैना मत करो ऐसे, मुझे क्यों मारना चाहती? मैंने क्या किया? नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, मैं मार दूंगी। जान से जाएगी। चलो चल, चलो इसे मारो। चल चल। अरे भाई मैं पहले ही बोल रहा हूँ, पीएल आई है, इसका अल्कोहल टेस्ट करते हैं। अरे मैंने कोई शराब नहीं पी। अरे तो क्या शौक से गाड़ी चला दी इस पे? बोल तो, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, उसका इलाज करवा रहा हूँ, और क्या करूँ? अब तो इसमें भी नहीं मान रहे। पैसा का गवर्नमेंट किसको दिखा रहा है? तुझे दिखा नहीं है, बंदे का पैर तोड़ दिया तूने, चोट लगी उसे। तेरे जैसे को तो ना जेल होनी चाहिए, समझा? गुंडे, गुंडे, इसको खोलो। तोड़ देंगे दरवाजा, जल्दी खोलो। छोड़ो, खोल जल्दी दरवाजा, बोले तो तोड़ देंगे, खोल जल्दी। गुंडे, ना वो गुंडे है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो,
वरना मार देंगे। प्लीज हेलो शुक्र प्लीज जल्दी आइए, अकेले गुंडे भेजे हैं, प्लीज जल्दी आइए, वो पेन ड्राइव लेने के लिए आए हैं। शुक्र प्लीज जल्दी आइए। मैं भी आ रहा हूँ। हाँ। अरे जा कहाँ रहा है? रुक, बंदे को ठोक के कहाँ? एक दो तीन चोट लगी है, टांग टूटी है इसकी। कहाँ टूटी है? टांग टूटी है उसकी। मैं जानता हूं तुम लोगों को किसने भेजा है। इसकी टांग टूटी नहीं लेकिन अब टूटेगी। खोल दरवाजा, खोल जल्दी, खोलने तो तोड़ देंगे। छोड़ो, 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 छोड़